Namaste. Thank you very much for accommodating me. मेरा रोल यहाँ पे मुझे लगता है जैसे कबाब में हड्डी है ना. आपका इतना इंटरेस्टिंग कुकरी शो चल रहा है, आपकी आपको सब ब्यूटी टिप्स देते जा रहे हैं और बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ें यहाँ पे डिस्कस हो रही है. और उसमें उसके बीच में मैं यदि थोड़ा हेल्थ के बारे में बात करूँ, कैंसर के बारे में बात करूँ, तो रियली इट विल बी वेरी वेरी बोरिंग. लेकिन इसको मैं कोशिश करूँगी कि आपको बोर नहीं हो और मैं जो मुझे बात करनी है वो बहुत ही संक्षिप्त में मैं आपको बताऊँगी. तो जैसे हम देखते हैं कि स्पेशली भारतीय महिला वुमेन में महिलाओं में एक चीज़ हम बहुत गहराई से देखते हैं वो है महिलाएं या फिर गर्ल्स लड़कियां खुद के लिए टाइम तो निकालती है लेकिन जब बारी आती है उनके हेल्थ की तब सबसे पीछे. सबसे पहले वो सोचेगी अपने परिवार के बारे में, अपने अपने रिलेटिव्स के बारे में, उनके हेल्थ के बारे में, और फिर सबसे आखिरी नंबर आएगा खुद का. तो खुद के बारे में, खुद के हेल्थ के बारे में महिला हमेशा लेट सोचती है या फिर लीस्ट सोचती है. दूसरी एक बात, जब हम पैसा खर्च करते हैं खुद के लिए तो हम सबसे ज़्यादा किस पर खर्चा करते हैं? एक तो सबसे पहले आती है फैमिली. फैमिली के लिए हम पैसा कितना भी खर्च कर लो तो हम आगे आते हैं, उसके पहले नंबर वन रहते हैं. फिर आता है ब्यूटी, दिखना, कि दिखने के लिए हम पार्लर में जाएंगे, हम पूरे ये ट्रीटमेंट करेंगे, वो ट्रीटमेंट करेंगे, ये स्टाइल करेंगे, वो स्टाइल करेंगे, हमको अच्छा दिखना है. उसमें बुराई बिल्कुल नहीं है, हमें अच्छा दिखना ही है. वुमन का बर्थ उसी के लिए हुआ है, इट्स अ ब्यूटी, इट्स अ सिंबल ऑफ ब्यूटी. लेकिन हम हमेशा भूल जाते हैं कि जितना बाहर से ब्यूटी इम्पॉर्टेंट है उतनी अंदर से भी है. तो हम थोड़ी बात करेंगे अंदर की ब्यूटी से. अंदर की ब्यूटी कैसे आएगी, अंदर की ब्यूटी की तरफ हम कैसे ध्यान दें? इट्स योर हेल्थ, आपका स्वास्थ्य. आपका स्वास्थ्य ठीक है तो आप बाहर से भी अच्छे दिखेंगे और स्वस्थ रहेंगे. तो इसके बारे में मैं थोड़ा बताना चाहूँगी कि महिलाओं में हम देखते हैं स्पेशली इंडिया में तो दो टाइप के कैंसर बहुत ज़्यादा हम देखते हैं. जैसे एक है नंबर वन पे स्तन का कैंसर यानी ब्रेस्ट कैंसर, और सेकंड है गर्भाशय के मुख का कैंसर यानी सर्वाइकल कैंसर. तो ये दोनों कैंसर ऐसे हैं कि जिसको हम अच्छी तरह से प्रिवेंट कर सकते हैं. आपको पता है कि कैंसर ये एक छूत की बीमारी नहीं है, ये छूत से नहीं होता है. जैसे हम सबको पता है कि कोविड, कोरोना का इन्फेक्शन वो छूत से होता है, ट्रांसमिट होता है, एक को हुआ तो दूसरे को फटाक से ट्रांसमिट हो सकता है. कैंसर यह छूत की बीमारी नहीं है, कैंसर ये एक अपनी पेशी की बीमारी है जो अपने पेशी के बिगाड़ होने, पेशियों में बिगाड़ होने के वजह से ट्यूमर में फॉर्म होता है और उससे कैंसर हो सकता है. ब्रेस्ट कैंसर नंबर वन पे है और आज भी मैं बताना चाहती हूँ, बहुत दर्दनायक दर्द भरे दिल से बताना चाहती हूँ कि आज भी हम जो महिलाएं में कैंसर देखते हैं वो लेट स्टेज के देखते हैं. लेट स्टेज यानी स्टेज थ्री स्टेज फोर. जैसे कैंसर को हम चार स्टेजेस में डिवाइड करते हैं, स्टेज वन, स्टेज टू, स्टेज थ्री, स्टेज फोर. तो ऐसे ही हम जो कैंसर को डिटेक्ट करते हैं तो जब हम स्टेज वन स्टेज टू में कैंसर को डिटेक्ट करते हैं तो उसका 100% ट्रीटमेंट होता है और आप पूरा जीवन अपना 100% अच्छी तरह से बिता सकते हो. लेकिन हमारे यहाँ जो पेशेंट आते हैं वो किस स्टेज में रहते हैं? लेट स्टेज, स्टेज थ्री स्टेज फोर. क्यों होता है ऐसे? वही जो मैंने बताया कि महिलाएँ अपने बॉडी के तरफ बिल्कुल कम से कम ध्यान देती है. हमेशा कभी भी ब्रेस्ट में गिठान आती है तो वो बोलते हैं अरे दूध की होगी, अरे नहीं ऐसे तो बहुत लोगों को आती है, अरे महीना रहता है, मेंस्ट्रुएशन रहता है, एमसी रहती है, तब हमेशा गिठाने आते रहती है. ये कुछ दिखाने की ज़रूरत नहीं है, इसको कुछ बॉदर करने की ज़रूरत नहीं है. लेकिन ये गलत है. यदि आपको कहीं भी ब्रेस्ट में गिठान आए और आपको कुछ अलग सा लगे
तो तुरंत आप सर किसी भी अपने गायनेकोलॉजिस्ट को या फिर स्पेशलिस्ट को दिखा सकते हैं और एक बार जांच कर ले कि ये कुछ गलत है क्या, ये कि नॉर्मल है। बहुत अच्छी बात बताना चाहती हूँ कि 80% ऑफ द लम्ब्स यानी जो 80% जो गिठाने आती है स्तन में वो कैंसर की नहीं रहती। ये बहुत अच्छी बात है, लेकिन ये डिसाइड कौन करेगा? जब तक आप डॉक्टर के पास जाते नहीं तो आपको पता नहीं चलेगा कि वो चर्बी की है या दूध की है या फिर कैंसर की है। तो इसलिए आपको जब भी कभी आपको लगता है कि ये कुछ गड़बड़ है, स्तन में गड़बड़ है, तो तुरंत आप पहले डॉक्टर की सलाह लीजिए। डॉक्टर बताता है तो फिर आपको आप निश्चिंत हो जाते हो। ये हम कैसे जांच करेंगे? इसके लिए बहुत ही अच्छी अपने पास टेक्निक है, यानी जिसको बोलते हैं मशीनरी। मशीनरी कौन सी है? आपको भगवान ने दिए है हैंड। आपके हाथ से महीने में एक बार आपको आपके स्तन की जांच करनी है। मेक इट अ रूटीन। जो आपका आप बहुत सारे लोग यहाँ पे ऐसे होंगे कि जो बीसी चलाते हैं ना, काफ़ी बार हम गेट टुगेदर करते हैं। आप गेट टुगेदर के जैसे ही ये एक अपने मन में ठान लीजिए कि मुझे महीने में एक बार मेरे खुद के ब्रेस्ट की जांच करनी है, उसको बोलते हैं सेल्फ ब्रेस्ट एग्जामिनेशन। तो ये होती है, तो इससे कुछ नहीं, आपको खाली फ्लैट ऑफ द हैंड से अपने ब्रेस्ट को देखना है कि कहीं गिठान लग रही है क्या, कहीं कुछ ऊँचा लग रहा है क्या, कहीं कुछ हार्ड लग रहा है क्या, कहीं कुछ दर्द हो रहा है क्या, और यदि होता हो तो आप तुरंत गाइडेंस ले सकते हैं। दूसरी बात, सर्वाइकल कैंसर किससे होता है? सर्वाइकल कैंसर एक इन्फेक्शन से होता है, इसको बोलते हैं HPV। HPV इन्फेक्शन जो महिलाओं में बहुत कॉमन है, बार बार सफ़ेद पानी जाना, बार बार बदबू वाला पानी जाना, या फिर बहुत ज़्यादा रक्तस्राव होना, मेंसेस में बहुत ज़्यादा रक्तस्राव होना, ये सब इसके इन्फेक्शन के कारण हो सकता है। और बार बार इन्फेक्शन होता है तो सर्वाइकल कैंसर होने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। इसको हम कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं? इसको हम बहुत अच्छी तरह से प्रिवेंट कर सकते हैं। इसके लिए आजकल वैक्सीन है, वैक्सीन यानी लस, जैसे कोरोना के लिए है, नई निकली है, वैसे ही सर्वाइकल कैंसर के लिए भी वैक्सीन है। तो ये वैक्सीन हम बच्चियों को दे सकते हैं, छोटी बच्चियों को, स्टार्टिंग फ्रॉम 9 ईयर्स टू 22 ईयर्स। मैं क्यों 9 ईयर्स टू 22 ईयर्स बोल रही हूँ? क्योंकि इसकी इफ़ेक्टिविटी जो है तो ये होती है बिफोर दे स्टार्ट देयर सेक्शुअल एक्टिविटी। शारीरिक संबंध चालू करने के पहले यदि हम ये बच्चियों को वैक्सीन देते हैं तो इसका 100% रिज़ल्ट हमको मिलता है। तो आपके यहाँ जितनी कोई छोटी बच्चियाँ होंगी जिनका एज ग्रुप है 9 टू 22, या फिर जिनकी शादी अभी तक नहीं हुई है, उनको ये वैक्सीन 3 डोजेस इसके ज़रूर लगवाना चाहिए। ये गवर्नमेंट में मिलती नहीं है क्योंकि ये थोड़ी महंगी रहती है, 2-3 हज़ार की आती है, लेकिन फिर भी जो अफोर्ड कर सकते हैं उन्होंने ये ज़रूर अपने बच्चियों को वैक्सीन देना चाहिए। इससे सर्वाइकल वैक्सीन प्रिवेंट होगा। ये आम वैक्सीन की तरह से है तो इसके साइड इफ़ेक्ट्स बिल्कुल नहीं है। जो साइड इफ़ेक्ट्स आपको आते हैं जैसे बुखार आना या फिर थोड़ा सा सूजन आना, ये भी इस वैक्सीन से नहीं होता है। दूसरा आपका सवाल कि इससे कुछ ओवरी पर इफ़ेक्ट होगा क्या, तो नहीं, ये खाली सर्वाइकल कैंसर यानी गर्भाशय के मुख का कैंसर, उसके लिए दिया जाता है। और दिस इज़ फॉर प्रिवेंशन ऑफ इन्फेक्शन। जैसे मैंने बताया कि सर्वाइकल कैंसर होता है इन्फेक्शन से, तो ये इन्फेक्शन प्रिवेंट करता है। इसको ओवरी के और हार्मोनल चेंजेस में कोई भी दिक्कत नहीं जाती। अभी इंटरनेशनल वुमेन डे हुआ 8 मार्च को, आपको सबको पता ही है। तो ये सिलसिले में इसको ध्यान में रखते हुए SCG कैंसर हॉस्पिटल से हमने बहुत ही अच्छा एक प्रोग्राम लॉन्च किया है। उसको उसका नाम है दिव्या वुमन केयर क्लिनिक। तो आप सोच भी नहीं सकते कि खाली 88 रुपीज़ में हम इसका पूरा आपको ये पूरा प्रोग्राम दे रहे हैं, जिसमें आपकी जांच होगी और जांच के साथ
ब्रेस्ट कैंसर के लिए मैमोग्राफी, मैमोग्राफी पता है आपको क्या है? मैमोग्राफी है स्तन का एक्सरे, स्तन का जो एक्सरे करते हैं उसको बोलते हैं मैमोग्राफी। तो हम इसमें मैमोग्राफी कर रहे हैं जिसका यूजुअल कॉस्ट है 3,500 रुपये। हम इसमें पैप्समियर भी करेंगे। पैप्समियर क्यों करते हैं हम? सर्वाइकल कैंसर के लिए। सर्वाइकल कैंसर के लिए हम गर्भाशय के नीचे से पानी निकालते हैं और आपको तुरंत बता देते हैं कि आपको कैंसर होने की संभावना है या नहीं है, या फिर आपको इन्फेक्शन है या नहीं है। क्योंकि मैंने जैसे बताया कि बार बार इन्फेक्शन होने के कारण आपको कैंसर हो सकता है। फिर तीसरा हम करते हैं सोनोग्राफी। सोनोग्राफी क्यों? क्योंकि पेट के अंदर जो कुछ हो रहा है वो हम बाहर से नहीं देख सकते। जैसे ओवरी का कैंसर है, ओवरी का कैंसर है, या फिर अतड़ी का कैंसर है, कुछ भी गड़बड़ हो पेट में तो हम सोनोग्राफी से देख सकते हैं। और इसके साथ साथ आपको हम एडवाइस देंगे योगा का, योगा के बारे में बताएंगे, क्योंकि मेंटल पीस भी बहुत इम्पॉर्टेंट है और इट इज़ रिलेटेड टू मेनी डिजीजेज। लाइक बहुत सारी बीमारियाँ ऐसी है, कैंसर ही नहीं, बहुत सारी बीमारियाँ ऐसी है कि जो अपने हेल्थ स्ट्रेस से रिलेटेड है। जैसे आपको बीपी की शिकायत है, थायराइड की शिकायत है, डायबिटीज़ है, या फिर आपका वजन ज़्यादा है, ये सब आपके लाइफस्टाइल से रिलेटेड है। तो ये हम इसका एडवाइस आपको देंगे, डाइट का एडवाइस देंगे। बहुत सारी आजकल स्टडीज से पता चला है कि बहुत सारे कैंसर ऐसे हैं कि जो ओबेसिटी रिलेटेड है, यानी मोटापा, मोटापा जिनको है उनको ज़्यादा कैंसर होने की संभावना है। तो इसके बारे में भी हम एडवाइस देंगे। तो ये पूरा हम खाली 88 रुपीज़ में दे रहे हैं। और ये मैं तो बोलती हूँ कि सब महिलाओं ने, सब लड़कियों ने इसका फ़ायदा उठाना चाहिए। लड़कियों को ये टेस्ट करना ज़रूरी नहीं है, लेकिन लड़कियों को एडवाइस देना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हम इसमें सेक्सुअल एजुकेशन भी देने वाले, सेक्स एजुकेशन। सेक्स एजुकेशन जैसे मैंने बताया कि बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि बच्चियों में जब डेटिंग चालू करते हैं या फिर सेक्सुअल एक्टिविटी चालू करते हैं तो उनको समझता नहीं कि व्हाट इज़ सेफ सेक्स। सेफ सेक्स, आप कितने लोग अपने बच्चियों के साथ इसके बारे में खुल के बात करते हैं? कोई नहीं करता। मैं खुद नहीं करती। जब टाइम आता है तो हम अपने बच्चों के साथ या फिर बच्चों के साथ सेक्स के बारे में बिल्कुल बात नहीं करते। और जब उनको ज़रूरत रहती है, व्हाट इज़ सेफ सेक्स, व्हाट इज़ हाइजीन, कैसे हाइजीन मेंटेन करें, मल्टीपल पार्टनर्स क्यों ना ले, कितना डेंजरस है मल्टीपल पार्टनर्स रखना, तो ये सब हम उनको बताएंगे। और ये बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि इससे कैंसर का रिलेशन है। तो ये मैं आपको सबको बताती हूँ, और मैं आपका ज़्यादा समय नहीं लेती, क्योंकि आपके बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक्स अभी चलने वाले हैं। तो आप अपने तरफ उतना ही ध्यान दें जितना आप बाहर के तरफ आपका ध्यान देते हैं, तो उतना ही बाहर के रूप में जितना ध्यान देते उतना अंदर के रूप में भी आप ध्यान दें और इसका फ़ायदा ज़रूर उठाएं। ये 1 महीना चलेगा, 8 मार्च से 8 अप्रैल तक ये चलेगा, और उसके बाद हर महीने के 8 तारीख को हम ये प्रोग्राम रखने वाले हैं। तो इसका फ़ायदा उठाइए, और आपको बहुत बहुत बेस्ट विशेष कि आपका ये कार्यक्रम बहुत अच्छे से आगे चले, और थैंक यू वेरी मच। जितनी सारी चीज़ें आपने बताई मैं लोगों, निश्चित ही बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रहा है। मतलब कहीं ना कहीं जितनी सारी वुमेन से रिलेटेड चीज़ें हैं, ब्रेस्ट कैंसर से रिलेटेड चीज़ें हैं, ये बहुत ऐसी तकलीफ़ें हैं जिनसे महिलाएं जूझती हैं। और बहुत देखा है हमने, जिस तरीके से आपने बताया कि कैंसर से बहुत, ब्रेस्ट कैंसर स्पेशली महिलाएं उससे बहुत ज़्यादा जूझती है, उन्हें पता नहीं होता। और इस बारे में आपने जानकारी, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद अस हियर, थैंक यू सो मच। एक बार ज़ोरदार तालियां मैम के लिए होनी चाहिए, थैंक यू सो मच। ओके, तो हमने बहुत सारी चीज़ें जानी मैम से, जिस तरीके से मैम ने बताया कि कहीं ना कहीं ये जो ब्रेस्ट कैंसर है वो बढ़ता जा रहा है, और उसमें हम महिलाओं को उसके प्रिकॉशंस लेने चाहिए और सारी चीज़ें उसको देखने चाहिए। और मैम का बस सेशन शुरू हो उसके पहले मैं आपको बता दूं कि जिस तरीके से मैंने आपको BCN न्यूज़ चैनल के बारे में बताया, BCN न्यूज़ चैनल के साथ ही हमारा नागपुर मेट्रो समाचार है जो पिछले 2.5 साल से चल रहा है, बहुत ही सक्सेसफुली ये चल रहा है, टीम बहुत ही ज़्यादा मेहनत कर रही है, और साथ ही पूरे विदर्भ वाइड हम लोग कह सकते हैं कि इसकी रीच पहुँच चुकी है। तो अगर आपको भी सारी चीज़ें इसमें, खेल जगत से लेके एंटरटेनमेंट, हर चीज़, राजनीति से जुड़े, क्राइम से जुड़े, हर चीज़ इसमें आपको जानने को मिलेगी। तो अगर
आप इसे पढ़ते हैं तो बहुत अच्छी बात है, और अगर आप नहीं अच्छा पढ़ते तो मात्र 2 रुपए का ये पेपर है अच्छा, जिसकी आदत आप अभी से डाल दीजिए। ओके, और इसके बाद हम शुरुआत करते हैं नीरज जैन के सेशन से। ये जो जार है या ग्लास जिसमें भी आप रख रहे हैं, इसे आप लॉन्ग समय तक रख सकते हैं, कम से कम 8-10 दिन आप इसे स्टोर करके रख सकते हो। तो मैं बना रही हूँ ग्लास में। इसके लिए जो इंग्रेडिएंट्स हैं, हमने मैं घर से ही कॉफ़ी बना के लेके आई हूँ, यानी जो हम रेगुलर कॉफ़ी बनाते हैं दूध शक्कर और कॉफ़ी पाउडर से। इसके साथ ही इसमें ले रही हूँ मैं ये ग्लूकोज बिस्किट, पार्ले जी ग्लूकोज बिस्किट, चॉकलेट गनाश या चॉकलेट सॉस, जो एकदम इजीली अवेलेबल हमारे पास रहता है, उससे आप ये डेजर्ट बना सकते हैं। और बच्चों को भी बहुत पसंद आता है ये, और इसकी शेल्फ लाइफ भी ज़्यादा होती है। तो अभी मैं क्या कर रही हूँ, सबसे पहले बिस्किट ले रही हूँ और इसको मैं कॉफ़ी में डिप कर रही, और इसमें डालेंगे हम। और ऊपर से थोड़ी सी कॉफ़ी भी डालूंगी। फिर इसके ऊपर गनाश या चॉकलेट सॉस की लेयर लेंगे हम। फिर काजू बादाम रोस्टेड काजू बादाम की लेयर, साथ में थोड़ा सा डाल रही हूँ मैं बटर स्कॉच नट्स और काजू बादाम की लेयर। फिर से बिस्किट को कॉफ़ी में डिप करके फिर डालेंगे हम इसके ऊपर। फिर वापस से चॉकलेट गनाश या चॉकलेट सॉस। आप ये छोटे छोटे ग्लासेस में, छोटे छोटे जार में, यदि आप कोई गिफ्ट हैम्पर बना रहे हैं, थोड़ा सा कुकीज़ डाल रहे हैं, थोड़े कपकेक डाल रहे हैं, तो ऐसे छोटे छोटे जार में ये वाला डेजर्ट बना के भी आप वो गिफ्ट हैम्पर के साथ में दे सकते हैं। थोड़ी सी ब्लैक वाली कोई भी चॉकलेट दे दो इसके ऊपर के लिए। हाँ जी, नहीं नहीं नॉर्मल कॉफ़ी है, रेगुलर कॉफ़ी। लास्ट में भी हमने गनाश की लेयर ले ली, और फिर इसके ऊपर थोड़ा सा ड्राई फ्रूट डाल देंगे। फिर आप अपने हिसाब से इसमें कोई भी चॉकलेट की गार्निशिंग लगा सकते हैं। अभी मेरे पास जो है मैं वो लगा दे रही हूँ। तो ये देखिए एकदम तुरंत तैयार हो गया है, ये बच्चों को बहुत पसंद आएगा, आप आज ही जाके ट्राई कर सकते हैं। सबके घर में चॉकलेट सॉस रहता है, ड्राई फ्रूट रहता है, और पार्ले जी बिस्किट रहती है, और कॉफ़ी तो रहती ही है।